ये वीडियो जो है आई थिंक बाईस तेईस मिनट तक जाएगी बिकॉज़ यू नो आई थिंक अभी 10 मिनट की मैं रिकॉर्ड करूंगी, फिर 10 मिनट की और करूँगी सो इट्स लाइक ये पूरा यहीं पे निपटा देते हैं यू you नो know, ये लास्ट एपिसोड, इसका सिक्स पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड या yeah, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम लोग अपना इंट्रो कम रखते हैं एंड आई होप आप लोग को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी और या yeah, मैंने आप सब लोगों के लिए ही ये इतनी बड़ी पॉडकास्ट जो है मैंने आ, जो है पार्ट्स में डिवाइड करके जो है इस पर रिएक्शन किया है एंड इफ़ यू दिस यूट्यूब चैनल वो इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब एंड लाइक ऑन इन कम बैक इन साउथ इन दिस वीडियो वो जस्ट साइना पता ही एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव डू इज़ यू हैव टू सपोर्ट माई सिस्टर्स यूट्यूब चैनल जो है व्लॉग uh, चलती है अपने चैनल पर एंड हर कॉन्टेंट इज लाइक व्लागिंग से ही रिलेट करता है यू you नो know?

नहीं अनिलीज भी नहीं उससे भी पहले तो <laughs> जो अभी तक आया भी नहीं है वो मेरे को देखना है कि आई इस फेज में ना आप बहुत बदलोगे इन अ पॉजिटिव वे आपका कोर वैसा ही है पहले जैसा आ, पर एक्चुअली लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई है और बदलने वाली है और भी जो आप अभी भी कह रहे हो ना ये बहुत हाई इम्पैक्ट चीज है आई प्रोमिस यू अगर हम लोग ने जितनी भी बातें करी है ना ये अगर इंटरनेट पर निकली बहुत लोग आपको ये बोलेंगे और आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में सही है मेरे हाथ में तो भाई मैं करूंगा अच्छी चीजें मतलब अगर हो रहा मेरे बोलने से कुछ तो भाई मैं किस कुछ भी मतलब अच्छे से बोलूंगा झेल जो जो रहे आ, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं भाई लोग ने क्या मतलब मैं तो बोलूंगा ये सब नहीं करने वाली बात है मजबूरी मालूम है लेकिन मत करो राड़े बीड़े मत करो भाई जॉब पे जाने वाली बात है मतलब है भाई टाइम नहीं क्या मतलब पब्लिक के पास रहता टाइम काम मत करो नहीं क्या मतलब mm. बैठे मत रहो दिन दिन भर नहीं क्या क्योंकि जब अपन एक महफिल में बैठते क्या एक हुड में बैठते फिर नहीं क्या ब्लॉक में बैठते है ना अपन वट्टे पिट्टे पे तो बहुत देर निकल जाता भाई महफिल में बैठे ना बहुत देर निकल जाता मतलब दिन से रात रात हो जाती पब्लिक रात को घर पे आती नहीं क्या ठोक बिक के तो अरे बोले घर जरा काम बीम पे जाओ धंधे बिंदे करो काम धंधे करो नहीं क्या जरा और ये ब्रो ये जो मतलब लड़की लोग का सीन है ना भाई रिलेशनशिप ये सब ये बहुत अटकाते वो सब में चीजें नहीं क्या मतलब हाँ ऑब्वियसली उसके वजह से पूरे दुनिया में झगड़े होते <laughs> एक लड़की के वजह से लेकिन वो नहीं करने वाली बात है उस पर सीरियस भी सीन नहीं करने वाली बात है और मैं मेरे हिसाब से तो जो भी मेरा फैन रहेगा लाइक मैंने माँ बाप गाना मनाया था तो मैं उसमें बोला था अगर फैन मेरा रहेगा तो माँ बाप को मान लाइक mm. तो लाइक मेरा यही सीन है ब्रो कि मॉम डैड के मॉम डैड को मानो और कुछ नहीं बाय नहीं का मतलब दुनिया में लाई ले और कुछ नहीं आपके डैड का बचपन कैसा था मिथुन <laughs> फुल मिथुन शॉर्ट है ब्रो वो तो नाइनटीज मतलब <clears throat> बचपन उनका आ, 80s शायद होगा हाँ मतलब तभी की उनका क्या है मतलब कुछ नहीं इतना कुछ नहीं मतलब थे, मेरे जाड़ी थे। लेकिन <coughs> क्या बोले मतलब, तो, भी भी हाँ देखे ले, देखे ले। तो क्या बोला आपको कुछ नहीं मैं मेरे डैड के और मेरे कौन वो मतलब क्या, हाँ, क्या मैं ज्यादा होती ज्यादा बात में मेरे डैड को भी थोड़ा लगता है की हाँ इसको समझ करेगा और मैं भी ज्यादा मतलब हमारे ज्यादा ऐसी ये नहीं होते इसके बारे में बात मतलब एकदम खुल के बात नहीं, नहीं होती मतलब एक दूसरे को समझ जाते लेकिन खुल के बात नहीं होती लेकिन बोले थे नहीं कि, कि ये सब मत कर लेकिन बहुत मतलब बोले ले बहुत बार बार मैं बहुत गलत रास्ते पे भी चल रहा था पहले उस वक्त पे नहीं गया इन्फ्लुएंस हो के दोस्त लोग के साथ में मतलब मॉम डाइड समझाने के वर्क पे नहीं समझने का वो वक्त पे लगने का यार छोटी छोटी बातें दोस्त लोग को शेयर कर रहे ना तो इन लोग को समझता रहे पर ऐसे सीने नहीं कि मॉम डैड को सबसे ज्यादा समझता वो 18, 19 की एज में ना भाई उन्नीस साल की उम्र में भाई जो भी है ना पब्लिक मतलब वो लोग दोस्त लोग पे ज्यादा बिलीव करते हो ट्रस्ट करते क्योंकि अपन छोटी छोटी बातें नहीं क्या अंदर अंदर की बातें नहीं क्या अगर अब आज के टाइम पे मेरे मॉम के साथ मैं खुल गया मतलब मैं हर एक चीज बोलता मेरे मॉम को हर एक चीज डील बोलो कुछ भी बोलो तो मतलब मेरी मॉम मोमी दोस्त बन गए ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मतलब मॉम डैड दोस्त मांगते अपन कभी कभी कोई कोई बच्चे लोग अनकंफर्टेबल रहते थे मैं भी था भाई एक टाइम पे मेरे को लगने का तुम लोग नहीं समझेंगे यार मेरे को मैं क्या कर रहा नहीं कहीं ये वो मेरे दोस्त लोग समझते लेकिन एक टाइम हाई भाई नहीं का मेरे को थोड़ा हिट हो गई चीजें समझा कि कौन था कौन अच्छा सोचने का मतलब ऑब्वियसली मॉम डैड अच्छा सोचेंगे लेकिन जो भी अपने से प्यार करता ना उसका सुनने वाली बात है क्योंकि आप वो लोग को रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहे था वो लोग सिर्फ अच्छा सोचते अपने बारे में

गैंगिंग ही पब्लिक रहने की ब्रो आसपास भी मतलब रोड पे रुकने के कैसे नहीं क्या नहीं क्या पर उसकी वजह क्या है ये क्यों होता है ये स्ट्रीट्स पे होता है ब्रो ये सब लाइक इसके पीछे पैसों की मजबूरी है हाँ पैसों की मजबूरी ज्यादा है ब्रो उधर लाइक पैसे बहुत मतलब सबको जरूरत है पैसे की लेकिन उधर कुछ ज्यादा मतलब सिचुएशंस बहुत गंदे रहते ब्रो लाइक तो इस वजह से शायद मजबूरी है अपनी ओर हो गया वो टाइम पर मैं उन लोग को यही बोलना क्या मत, ऐसे रिका में मत करो कुछ नहीं होता नहीं क्या भाईगिरी में सब में कुछ ही नहीं रहता बैठ जाते नहीं क्या। कौन भाई वो छोटी छोटी चीजों का कर्मा होता भाई इधर तू सामने वाले इंसान की जान ले रहा भाई जान तेरा हक की नहीं है ऊपर वाले का हक हो जान लेना किसकी तो उसकी जान ले रहे लाला ये गलत है मतलब बहुत ज्यादा गलत है आ, जब ये पार्टीज पे जाते हो और आप फेमस लोगों से मिलते हो बॉलीवुड के लोगों से मिलते हुआ। हुआ। क्या सोचते हो और आपके साथ किस तरह से बात करते हैं जज करते हैं वो आपको आई एम श्योर दिखता होगा स्ट्रीट्स की वजह से स्ट्रीट स्मार्ट की वजह से आप में भी एक्स रे विजन हा, है कि ये भाई देख सकते हो ना ये मेरे पास ना भाई हाँ तो जज करते हैं आपको हाँ पब्लिक करती भाई बहुत पब्लिक करती क्या है नहीं क्या कौन है लाइक

मतलब क्या मालूम क्यों है मतलब तेरी जगह कोई नहीं ले सकता ब्रो <Demonissant> कोई मालूम है ब्रो अपना अपना प्लेस है तो मतलब तेरी जगह नहीं ले सकते मतलब पर अपने इधर ऐसा भी चलता कि बहुत क्या मालूम क्यों कंपेयर करते रहते लोग इसलिए पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी नहीं रहती ना क्या इससे इसकी चीज को इससे कंपेयर कर रहे इसकी चीज को इससे मेर, मेरा भी बीच में अभी कंपेयर कर रहे थे लाइफ का नहीं क्या तो नहीं क्या शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ा या फिर

आप उनको मिलो और एकदम uh, <laughs> मतलब मतलब रहे रहे क्या, क्या बोल रहे भाई? <laughs> और दिमाग में कुछ तो अलग ही है ब्रो है नहीं क्या मतलब फ्लिप हो गया था मैंने क्या ब्रो ऐसा मन कर रहा देखते रहने का भाई को नहीं क्या भाई आप बोलते रहो हम लोग <laughs> देखेंगे नहीं क्या वही सवाल भाई के साथ में हो गया मेरे को क्या बोलू क्या नहीं, नहीं क्या अरे थोड़ा कॉन्शियस नहीं हो अरे क्या आवाज ही वॉल्यूम कम हो गया मेरा वही सवाल सीन हो गया मेरे <laughs> और कोई है इसको मिलके थोड़ा ज्यादा लगा किया यार uh, नहीं मैं मैं शॉक तो होगा जिस दिन मेरे को आ, uh, क्या बोलते लिलवेन दिखेगा mm. मेरे को ना देखने का सामने से वो क्या है नहीं क्या क्या चीज है ना वो देखने का है ब्रो क्या विषय यार ये बंदा क्या है मम्मा इसका सीन को देखने का है नहीं क्या एक ड्रेड है से नहीं। तीन ड्रेड बाहर आ रहे लेने क्या ब्रो? कुछ तो अलग ही ड्रेसिंग बाहर नहीं क्या डीसी तो मतलब फलता लेवल ब्रो लड़कियों से ज्यादा अटेंशन मिल रहा बहुत ज्यादा लड़की लोग से हा मतलब मिलता ही है हाँ मतलब हाँ मिलता लड़की लोग लाइक सब कैसे कैसे हैंडल करते हो सॉरी कुछ, कुछ कुछ नहीं हाँ मैं मतलब ऐसा रहता कि दूर रहो कभी भी कुछ भी <laughs> नहीं भाई कुछ नहीं सॉर्टेड मैं ज्यादा बात भी नहीं करता मैं बात नहीं करता ज्यादा बुबा ने क्या हेड पका डालेंगे <laughs> बुबा हेड पकाएंगे भाई घर पे भी लपड़े हो जाएंगे मैं बात करता ज्यादा लड़के लोग से लेकिन हाँ मतलब स्ट्रीट्स में लड़की लोग का लाइफ कैसा होता है ब्रो क्या होता है स्ट्रीट आ, शे अच्छा नहीं है हाँ मतलब जज किया जाता ब्रो लड़की लोग को ज्यादा मतलब तो अगर पैंट भी पहन लिया तो जज किया जाता है पैंट तो नहीं पन बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब अफवाहें ज्यादा रहती ब्रो गली में एक छोटा गांव रहता नहीं क्या गांव कैसा रहता कि इधर की ये गली की बात मालूम ये गली की बात मालूम है तो ऐसा थोड़ा रहता नहीं क्या अरे इसकी बहन इसके साथ भाग के गई ली थी को मालूम के तो मतलब उनके उनके लिए हार्ड रहता मेरे को ऐसा लगता ब्रो नहीं है लड़की लोग के लिए और उनको फ्रीडम भी नहीं मिलता आ, तो हाँ हाँ घर पे रखाया जाता <laughs> जिसके उसके घर का ब्रो उनका घर का क्लाइमेट जिसका उसका भाई पर वहाँ के लड़की लोग के सपने रहते बड़े बड़े करियर रिलेटेड हाँ रहते लेकिन डिमोटिवेट कर देते ब्रो उधर लोग ना ये बदलेगा मैं 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 भी था तो मेरे को डिमोटिवेट करने का क्या बापाची बापाची पैंट गालू ये तो ये तू का क्या डैड की जींस पहन क्या है ब्रो अरे क्या बैगी जींस बोलते रेडे इसको <laughs> तो डिमोटिवेट रात में भी बोलता क्या ब्रो ये सब क्या बोल रहे लोग तो? भाव भी लोग नहीं क्या सब मतलब ये सब क्या बोले यार किशोर कुमार इन लोग गाने जाने मैं, भाई, <laughs> क्या रे भाई, तुमने क्या? <laughs> मैं बोला अरे <laughs> चिटकेला पैंट बेंट ऊपर नहीं क्या ये मत पहनते जा को अच्छा नहीं लगता बोला तेरा चॉइस सेम रहेगा इंसान तो कैसे चलेंगे भाई दुनिया बोला नहीं क्या तो अलग है मैं अलग है हाँ यार आई फील अगर लोग अपने देश के टॉप रैपर्स को जानेंगे ना <coughs> तो ये पता चल जाता है कि आप लोग बहुत जेन्यून हो जो बहुत रियल हो और जज नहीं करते आ, दूसरों को मैं तो नहीं करता ब्रो क्योंकि हर कोई रैपर्स को बहुत जज करता है आ, एटलीस आ, देखता है एटलीस्ट देखता कि यार आ, क्या कपड़े पहने हैं क्या आ, ये मैंने भी किया था Sorry. और रैपर्स के साथ बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हो सकती है ये भी मैंने मैंने तीन डीप कॉन्वर्सेशन किए ठीक है एक डिनो जेम्स के साथ एक आपके साथ और हाल ही में मैं एम भाई से मिला था आ, और उनसे भी डीप कॉन्वर्सेशन करी आ, है आप तीनों में ना मुझे बहुत कॉमनिटी दिखती है आ, मतलब बहुत रियल मोमेंट्स देखे लाइफ में ठीक है प्रोसेस कर पाते हो राइटिंग की वजह से न, कि क्या क्या देखा है वो थॉट्स है बहुत ज्यादा इमोशनल हो आप तीनों न, न, पर तीनों के तीनों ना बहुत मतलब सेल्फ अशोर्ड हो पता है कि जहाँ लाइफ को लेके जा रहे हो ना आप लेकर ही जाओगे बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और एक पॉजिटिव वाइब भी है

पे ब्रो ने तो मेरा बीफ था उसके साथ क्योंकि थोड़े सीन्स हो गए थे तो मतलब एक दो बार मैनेजर की बात हो गई थी शायद से लेकिन मैंने नहीं किया ब्रो अभी तक मिला भी नहीं बंदे को इनशाला मिलेंगे कभी तो ऐसा कुछ नहीं दिल में कुछ नहीं मिलना चाहिए यार हाँ तुम लोग बहुत दोनों बहुत अच्छे हो साथ ने प्यार दिया था बीच में भी देखा मैंने वो भी हाँ भाई हक्के भाई ने के मतलब <laughs> बोल <प्ले>, प्यार <laughs> रैप में अभी कोलैबोरेशंस का टाइम आने वाला है ऐसा मुझे लगता, हा, हा, फटे, लगता फटे, है फटे 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 भाई मेरा तो बहुत मेरे को लाइक अपने मतलब कावाली वाली पब्लिक के साथ <laughs> अपने अरजीत भाई अरजीत सिंह भाई उनके साथ में मेरे को ऐसा एक्सपेरिमेंट करने ना बहुत hmm. मतलब एक्सपेरिमेंट छोड़ो एक, आउटपुट गाना ना मेरे को खुद को प्यारा गाना सुनने का ब्रोना hmm. हो मार्केट में तो मैं ऐसे नहीं की आपू ना जबाना था ना भाई <laughs> तो वही सब करने का और को ऐसा लगता राप, राप है मालूम क्या रिलेट क्यों करती रा क्योंकि राप के अंदर सब सिचुएशन है सब आ सब माम सब कपड़े बोलो कुछ भी बोलो नहीं क्या रोना धोना ब्रोकन आर्ट ब्रोकन बोले ये बस्ती बिस्ती स्ट्रेट बोले नहीं कहा स्ट्रेट लाइफ कैसी रहती क्या कैसा रहता इसलिए मेरे को ऐसा लगता है रिलेट करेंगे पब्लिक मतलब बॉलीवुड में ऐसा सीन है ना ब्रो बॉलीवुड का ज्यादातर जाद, पहले होने के सिचुएशंस पे देखो गाने अभी भी थोड़े से बहुत कम है क्या अभी मतलब गाने आएंगे ना तो ज्यादातर प्यार पे रहते मतलब हाँ मतलब पूरी दुनिया प्यार में है, ऐसे कुछ नहीं मतलब बीस परसेंट लोग नहीं रहेंगे या फिर इग्नोर करते रहेंगे पर सत्तर परसेंट लोग भाई मेरे को ऐसा सत्तर परसेंट पूरी दुनिया से हाँ भाई पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैंने क्या भाई मेरे को ऐसा लगता है प्यार में साइकोलॉजी oh, साइकोलॉजिकली देखने गए ना तो उस पर गाना मानेंगे ना तो ज्यादा लोग रिलेट करेंगे mm. सही वो चीज माम mm. पर सब सिचुएशन में ना आते ना क्या mm. आज आज के टाइम पे गाने और रैप में रैप में सब सिचुएशन पे गाने आते सिर्फ ऐसा है कि इधर स्लो है आ, अपने यहाँ पे लोग को थोड़ा मतलब हनी सिंह बादशाह इन लोग भाई लोग के इसलिए शायद से कैच ही रहते और आ, मतलब कॉट कर पाती पब्लिक क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्लो बचते hmm. मेरा ऐसे सीन है कि मतलब जो शान है वो समझेगा नहीं क्या hmm. अगर तुम शान रहेंगे ना रह तो समझेगा तुमको कि मैं क्या बज रही क्या बात कर रहा तुम लोग कॉट करेंगे नहीं क्या hmm. ये मेरे ऊपर वाले से दुआ है कि मुझे <laughs> लाइव एक बार मेरे लाइफ टाइम में एम यू भाई और एम सी भाई का एक कोलाब देखने को <laughs> और, और ये ना मेरे घर <laughs> पे एक पार्टी पे होना चाहिए फिर मैं रैप का बाबा सिद्दीकी बन जाऊंगा <laughs> <laughs> अरे वहाँ <को> <laughs> दोनों को गले मिले बोलते नहीं भाई, भाई देगा तो तुम लोग बहुत सही हो आ, आ, दोनों बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत आगे जाने वाला हो दोनों एंड स्टैंड भाई, भाई हाँ। बस अभी पॉडकास्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है कैसा रहा आपका पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस भाई अच्छा था सही था भाई जो भी

वो लोग फील करेंगे कि मैं क्या बोल रहा क्या सिंचाल है क्या नहीं आज आज नहीं क्या <laughs> उनको एक मैसेज दे दो इस पॉडकास्ट के बारे में पहुंचाने को <laughs> यो हिंदी मातृभाषा <laughs> ये चेक जगह पे आ, भाई लोग मैं कुछ तो बोलना चाहता था मैंने बोला और उन लोग समझो मैं क्या बोल रहा बस ये चीज को ये मत करो रे ऑफेंड बिफेंड मत हो जाओ और कुछ ऐसी ट्रिप मत करो गलत वाली ट्रिप मैं जो बोल रहा उसके पीछे से सिर्फ एक बार एक बार सोच के देखो नहीं क्या ज्यादा ज्यादा नहीं एक बार सोच के देखो दस पंद्रह मिनट तो सोचो कि क्या बोले क्या बोले ला भाई लोग ने क्या बात कर रहे ले? तो देखो और फैला होने का पब्लिक क्या विषय क्या ना जरा दिखाओ अपने भाई बहन लोग को सब लोग को माम डैड लोग को दिखाओ जरा क्या सीन चालू है कि अपना रैपर का हिस्सा है नहीं क्या बोले नहीं तो माम डैड बोलेंगे बोले इसका हिस्सा क्या बन रहा है ये कैसा ये वाला शॉट चलने का ब्रो लोग दिखाओ भाई प्यार है भाई आप, आप लोग का बस और कुछ नहीं लव यू ऑल पीस आओ शाउट आउट टू पी टाउन शाउट टू पी टाउन शाउट टू मेरा भाई हक के भाई को नहीं गया बियर बाई बोले आ रहे ब्रो हक से भाई हक के भाई आपको और शाउट टू माई अम्मी शाउट टू माई पब्लिक कट्टर पब्लिक भाई आप लोग अपनी पीटाउंड दिला लो एक बार पीटाउंड दिला लो ऐसे हां एक मिनट ऐसे ऐसे देखो ऐसे ये तीन उंगली ना ऐसे 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 हां पीटाउंड बेबी शउट आउट पीटाउंड बेबी बेबी हक भाई हक्के के आउट टू आंटी एंड अंकल आई लव यू भाई लग आप, लग आपने लग जिस तरह से एमसी स्टैंड भाई है। को रेज किया जो वैल्यूज दिए जो सिखाया है घर पे बस उसकी वजह से इतना सक्सेस मिला

Same. हिंदुस्तान को जानना चाहिए स्ट्रीट्स के बारे, बारे स्टेट्स क्या क्या होता पुणे बॉम्बे हर एक चीज भाई नहीं क्या बिहार साइड इधर उधर क्या क्या होता है और हो गया ये होगा बिल्कुल रैप की अभी ना शुरुआत हुई है हाँ अब अब भी भाई मतलब फटेंगे बेबी हिंदी मातृभाषा बहुत मजा आया बहुत मजा आया सेम सेम बाय यू ब्रो लव यू टू ब्रो थैंक यू थैंक यू बुलाने के लिए से थैंक यू तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड मैं ऐसे, ऐसे रियल एपिसोड करना चाहता हूं पर ये है कि ऑडियंस हमेशा हमने इस पर क्लिक नहीं करती और मैं बहुत व्यू सेंट्रिक यूट्यूबर हूं व्यूज मैटर टू मी एट दिस स्टेज इसलिए ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे ऐसी बातें बहुत टाइम से करनी थी पर अब तक एक सेलिब्रिटी नहीं मिला था जो इस टाइप की बातें कर पाए जो इस दुनिया से आए हैं और स्टैंड भाई के साथ ऐसी बातें करी आई एम श्योर स्टैंड भाई हमारे साथ और बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे अगर आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हैवी लगा तो सॉरी हमारे बाकी के पॉडकास्ट थोड़े से पॉजिटिव है थोड़े से लाइट है पर हांजी आज कल रणवीर थोड़ा सा डार्क हो रहा है आई नो एक कॉन्शियस मूव है इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे बहुत सारी रियल बातें करनी और आपको रियल वैल्यू देना है। और रियल वैल्यू के लिए हमारी मेडिटेशन ऐप लेवल सुपर माइंड डाउनलोड कीजिए ऐसे ही पॉडकास्ट ईआरएस पर आते रहेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग बाकी पॉडकास्ट भी चेकआउट कर लो धन्यवाद सो गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इतनी बिग पॉडकास्ट एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट #part6 आई थिंक बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट थी जैसा कि उन्होंने बोला रणवीर ने इट वॉज़ डार्क एट द सेम टाइम इ वज़ हैवी एंड यू नो बहुत सारे इमोशन्स थे कहीं पर यू नो लाइक हैप्पी इमोशन्स थे कहीं पर बहुत यू नो डीप था बहुत डार्क था कहीं पर स्ट्रीट लाइफ के बारे में जो ऑब्वियसली मैं नहीं जानती हूँ ना ही यू you नो know, बहुत सारी यूथ और जनरेशन नहीं जानती है उनके लिए बहुत न्यू था ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत न्यू है एम सी स्टैंड की ज़िंदगी के बारे में जाना एंड इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट कि एक स्ट्रीट का लड़का इतना ऊपर और इतना आगे जा चुका है एंड इट्स लाइक यू नो मोटिवेशन मिलती है देख कर और एक अलग यू you नो know, हिम्मत पैदा होती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं यू नो एंड आई थिंक ही डिज़र्व दैट टैलेंट बहुत है उनमें एंड यू नो जैसे हम लोग जैसे उन्होंने बात की रैपर्स को हम लोग बहुत दफ़ा जज करते हैं ऐसे ही मैंने भी यू नो इट स्टार्टिंग मैमसी स्टैंड को बहुत जज किया था दैन पीपल लाइक पीपल व लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मेरी इस मूव से सो so, फिर जब मैंने उनके काम देखा उनका सॉन्ग सुना वर आई उ बहुत अलग है इट्स डिफरेंट इट्स एक अलग कनेक्शन है इस चीज़ के साथ तो मुझे तब समझ में आया यू you नो know, मैं टाइम बाय टाइम उनके लुक पे यू you नो know, लुक इज़ जस्ट समथिंग लाइक वो आपकी अपनी पसंद है शायद मेरा लुक किसी और को पसंद आए किसी और का लुक मुझे पसंद आए सो आई थिंक अगर इस चीज़ को हटा कर देखें ना टैलेंट देखें कितना ज्ञान है उनमें और कितना यू you नो know, जो उनकी uh, सोचने की साइकोलॉजिकली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट सो वो जो एक तरीका है ना चीज़ों को हैंडल करने का वो बहुत अच्छा है एंड यू नो वो राइटिंग में दिख जाता है एंड फॉर मी ही इज़ लाइक द वेरी गुड एंड अ वेरी बेस्ट रैपर एंड आई थिंक ऐसे रैपर्स की ज़रूरत है वर्ल्ड को जो थोड़ा सा यू you नो know, रियल रियलिटी चेक दे सकें और यू you नो know, एक अलग प्रस्पेक्टिव से दुनिया को देखकर आपको बता सकें एनीवेज मुझे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आई होप आप लोगों को भी मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी एंड मुझे करनी थी इसलिए मैंने पूरी कवर की है एंड अगर आप लोग चाहते हो किसी और की पॉडकास्ट भी कवर की जाए तो so आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो <coughs> अगर एम सी स्टैन की कोई और पॉडकास्ट भी आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ अपनी Comment section mein aap bata sakte now I'm going to be ending this video. Do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon. And do not forget to follow this YouTube channel Instagram account, which is Fattahis underscore reaction And do not forget to follow me as well on Instagram. My Instagram handle is Zainab underscore now I'm going to be signing off with a very very and very beautiful message which is do not forget to spread peace, love and positivity. Love you all. Bye.